गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और हम लोग रेडी कर रहे हैं अपने राइड के लिए। माई बाइक यहाँ पे है और मेरा साइकिल वहाँ अंधेरे में है, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही संदीप भाई आएंगे तो हम लोग तीनों आदमी जाएंगे हेब्बाल। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि गौरव भाई और संदीप भाई दोनों आदमी पहुँच गए हैं हेब्बाल के पास। अमर पीछे है, वो भी जल्दी से आ जाएगा। बाकी सब बढ़िया चल रहा है राइडिंग अभी, और सुबह का टाइम है, अभी तक थका नहीं हूँ। ऑलमोस्ट हमने 15 से 20 किलोमीटर अभी कर लिया होगा और राइड करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अभी तो बहुत बहुत सारे चीज़ है जो आप लोगों को बताना है, वो आप लोगों को धीरे धीरे इस ब्लॉग में बताता रहूँगा। Say no, it's yes, I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. You better not. Okay, finally, ye hai Hebbal ka bridge. Yahan pe niche se hame lena hai right. अभी मैं मोबाइल को रख देता हूँ अंदर और वहाँ पे जब पहुँचूंगा उन लोगों के पास तो फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। आज हमारे साथ दो भैया लोग जा रहे हैं राइड पे। एक है, आप लोगों को पहले ही पता होगा, गौरव भाई है। हेलो बोल दीजिए सबको। और ये है मोटिवेशन, आज के बहुत दूर से आते हैं हमेशा, जब भी बुलाते हैं तो राइड पे। और ये है नए मेंबर, आप जानते ही होंगे इनको भी, संदीप भाई। और ये भी बहुत ही अच्छे मोटिवेशन देते हैं, साइकिलिंग अच्छे कर रहे हैं। और इनका ये है रिवर साइड 120 पे गौरव भाई आए हैं, और ट्राइबन पे हमारे भाई आए हैं संदीप भाई। ओके, फाइनली अमर भी आ गया है और यहाँ पे सबको मिल रहा है बहुत दिनों के बाद। ये साइकिलिंग ही जो है जो सब किसी को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ये फोन कर रहे हैं बताने के लिए कि पहुँच गए हैं सेफली। आज सब कुछ टाइमली हो रहा है, अब यहाँ से हम लोग ज्यादा ब्रेक नहीं लेंगे। अब यहाँ से जैसे ही सब कोई फ्री हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you. फाइनली अभी हम लोग राइड कर रहे हैं, एकदम मस्त मजा आ रहा है। यहाँ पे वेदर भी बहुत ही अच्छा है। अब धीरे धीरे सनलाइट आना शुरू हो गया है और थोड़ा थोड़ा तकलीफ भी होना शुरू हो गया, मतलब कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, इतना तो सहना पड़ेगा अगर सफर में राइड कर रहे हैं तो। ओके, सो अभी हम लोग आ गए हैं यलहंका के पास और ये अंकल गाड़ी से ठोकने वाले थे, बाल बाल बचे। हम लोग सब लाइन में जा रहे हैं प्रसाद खाने के लिए। रोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, रोड में ज्यादा हम्प्स नहीं है, साइड में इतने इतने अच्छे अच्छे नजारे हैं देखने के लिए, पेड़ पौधे हैं। आई होप जाने के टाइम में मजा आ जाएगा इस रोड पे। संदीप भाई, ये रोड कैसा है? तो मस्त बोल रहे हैं। गौरव भाई, रोड कैसा है? मस्त मक्खन। मैं तो मरने वाला था अभी, जस्ट मालूम नहीं। हाँ, और स्ट्रेट जाना है।
ओके फाइनली यहाँ पे हमारे तीन दोस्त मिल गए हैं। सब कोई हमसे मिलने के लिए झगड़ा कर रहा है। हेलो हेलो, फिर आएंगे हम लोग। बाकी इस रोड के बारे में बताया तो देख सकते हैं, एकदम मस्त है, ग्रीनरी है और समर के टाइम में भी यहाँ पे इतना छांव है, दिल खुश हो जाएगा आप लोग अगर यहाँ पे साइकिल लेकर आएंगे तो। सांस फूल रहा है तो मोबाइल को यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा सा आप लोग ये रोड को एंजॉय कीजिए, मस्त है रोड मगर यहाँ। Say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, ये है आवलल स्टेट फॉरेस्ट और यहाँ पे सब कोई आराम से राजा के जैसे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और सबके चेहरे पे देख सकते हैं स्माइल है, ऐसा लग रहा है कि सब कोई डेटिंग पे आया है। हमारे लिए यहाँ पे है बिस्किट बॉर्बन वो क्या बोलते हैं हिंदी में कि आपके रास्ते में पत्थर कांटे सब रहते हैं मगर फिर भी हम लोगों को आगे बढ़ते रहना, तो वैसे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना पत्थर है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं पहला व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरा आप लोगों को पूरा जन्नत दिखेगा। यहाँ से पीछे जो लोग बोलते हैं ना जन्नत कहाँ है, तो यहाँ पे है पीछे और जन्नत में देखिए चार लोग जा रहे हैं पता नहीं क्यों। और यहाँ पे सब कोई अमर भी व्लॉगिंग कर रहा है, हमारा साइकिल सब रेस्ट ले रहे हैं अभी और मेरी पत्नी भी रेस्ट ले रही है यहाँ पे छांव में। यही रास्ता ना वो वाला माउंटेन को हम लोग अगर जो था घूमते तो इसी रोड पे आते हम लोग। ये फॉरेस्ट में ऐसे ही नाम लिखे रहते हैं, सब कुछ नहीं रहता। फाइनली हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं ट्राइबन पे, हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग हो जाता है। यहाँ पे साइड से निकलना है। फाइनली मजा आ गया, सोचा था कि पंचर हो जाएगा मगर अभी तक पंचर नहीं हुआ है, इतना सारा ऑफ रोडिंग हम लोग कर लिया ट्राइबन पे। जब पहले खरीदा था तो एक ही दिन में पंचर हो गया था, आज ऑफ रोडिंग हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ उसके बाद से ही सच में वहाँ पे संदीप भाई वेट कर रहे हैं, फाइनली यहाँ पे मजा आ रहा है ये वाला ट्रेल करने में। क्या बताऊँ, वर्ड्स में बता नहीं पा रहा हूँ, ऑफ रोडिंग करने का मजा अलग ही है। हाँ उतना ऑफ रोडिंग जैसा रोड नहीं है मगर अगर आप फास्ट में करेंगे अच्छा यूटी भी रहेगा, मस्त मजा आ जाएगा। यहाँ पे हम दूसरे के ब्लॉग में भी आ गए और ये रास्ता एग्जिट हो जाएगा, मतलब एग्जिट जहाँ होता है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो फाइनली इस जगह का ऐसा कुछ है सीन और अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ पे आ सकते हैं साइकिलिंग करने के लिए। ये वन ऑफ द साइकिलिंग डेस्टिनेशन है बैंगलोर में। हाँ ओके, सो फाइनली अभी राइड खत्म हो गया और पूरा पूरा एकदम थक गए हैं हम लोग और सब कोई अपना अपना रेडी कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। ऑलमोस्ट हम लोग घर के पास पहुँच गए हैं और आज का राइड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी चैनल सब्सक्राइब किए उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिलेगा तब कर लीजिएगा, कोई अर्जेंट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।